और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आपको बताएं 2025 तक टीबी मुक्त पूरा प्रदेश होगा, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं, महीने की 15 तारीख को अस्पताल में टीबी दिवस मनाया जाए, ये भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। बेहतर इलाज के लिए आयोजित हो हर महीने एक दिन टीबी के लिए जागरूकता फैलाने का जो काम है वो भी चल रहा है। तो टीबी के लिए जागरूकता फैलाने का काम भी चल रहा है पूरे प्रदेश में, और ये भी टारगेट रखा गया है, ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक टीबी मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश हो। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, क्योंकि 2025 तक ये टारगेट रखा है प्रदेश सरकार ने कि पूरा उत्तर प्रदेश 2025 तक टीबी मुक्त हो, इसको लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया जाए कि 2025 तक उत्तर प्रदेश को जो है टीबी मुक्त करने की बात चल रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि जिस तरीके से महीने की 15 तारीख को जो है टीबी मुक्त करना है पूरे प्रदेश को, और ऐसे में अगर बात की जाए कि टीबी के लिए जो है 15 तारीख को एक दिन निर्धारित किया गया कि हर महीने की 15 तारीख को जो है वो कैंप लगाया जाए हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल की अगर बात की हॉस्पिटलों में जागरूकता अभियान चलाए जाए ताकि लोग जो है अवेयर हो सके और टीवी से जो है सब मिलजुल कर साथ लड़े, और इस जो टीवी की जो इलाज है जो अपने आसपास के लोग हैं उनको जो है टीवी के इलाज के बारे में बताएं, जानकारी दें। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो है लगातार इस तरीके के काम और इस तरीके की योजनाएं चलती रही हैं। टीबी की बात की जाए, पोलियो अभियान की बात की जाए, तो ऐसी तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का है। जी रामानुज, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से प्रदेश में बरती जा रही हैं, किस तरह की लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, लेकिन ऐसे में 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। देखिए जाहिर सी बात है मनीषा, चुनौती तो सरकार के साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों तक पहुंचती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आह्वान है वो आम जनता तक पहुंचता है, और आम जनता भी इस जैसे कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देशित किए गए होते हैं ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और ऐसे में टीबी की अगर बात की जाए, टीबी लाइलाज नहीं है, अगर समय रहते अगर इलाज मिल जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि तमाम वो व्यक्ति जो टीबी की शंका है, जिनको टीबी की शिकायत है, उनको जो है पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से टीवी मुक्त जो है किया जाए। एक बड़ा अभियान है और ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग कर रही है, और हर महीने की 15 तारीख को समय निर्धारित किया गया है कि हर अस्पताल के अंदर कैंप भी लगाया जाएगा, हर अस्पताल में जानकारी भी दी जाएगी, और हर महीने 15 तारीख को टीवी दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोग आए, जानकारी लें, और अपने आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाते हैं लक्षण वाला बिल्कुल तो उसकी जांच करवाएं। ऐसे में क्योंकि चुनौतियां भरपूर है सरकार के आगे कार्यशैली पर कहीं ना कहीं, और स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से आगे बढ़कर चलना है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाना। हालांकि आपने पहले भी जिक्र किया कि लाइलाज बीमारी नहीं है, अगर समय रहते ही इसको इलाज के तौर पर अगर इस पर इलाज शुरू कर दिया जाए, दवाइयां दे दी जाए तो बेहतर होगा, लेकिन बेहतर इलाज के लिए महीने में हर एक दिन आयोजित किया जाएगा और 15 तारीख को जैसे कि हर महीने जागरूक किया जाएगा, वैसे में क्या समझा जाए, किस तरीके से पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा, कहां कहां पर टीमें जाएंगी, क्या अलग से टीमें गठित की जाएंगी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचेंगी। देखिए आपको बता दें मनीषा की ग्रामीण क्षेत्र में डॉट्स की टीमें अक्सर जाती रहती हैं, लोगों को जागरूक करती रहती हैं, जिला अस्पताल से लेकर जो है सामुदायिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी पर जो है 15 तारीख का दिन विशेष होगा। और ऐसे में अगर बात की जाए जो 15 तारीख को जो हर हॉस्पिटल का जो कहें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जब ये सुविधा पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी के जो है जहन तक ये जानकारी भी जाएगी। और ऐसे में सरकार की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की बात की जाए, तो जो उनका आह्वान होता है वो आम आदमी बड़े गौर से सुनता है, उसके ऊपर ध्यान देता है, और ऐसे में
जब अगर बात की जाए जमीनी स्तर तक यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जब ये सब बातें पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इस तरीके की बीमारी से ग्रसित है या जिसको इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं उनको जो है आसानी मिलेगी इलाज के लिए। जी